क्वेश्चन 24 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी -4.6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको किस रेशियो में जो पॉइंट पी है वो आपका डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो ए है दैट इज जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -6.10, एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 3, -8, एंड यहां पे एक पी पॉइंट दे रखा है दैट इज -4.6। अब वो कह रहा है कि जो पी है वो इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं ये मान लेता हूं, जब हमें मानना होता है ना तो हम रेशियो मानते हैं के रेशियो 1। लेट पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन ए बी इन के रेशियो 1। अब मैं आपके पास फॉर्मूला बताऊं, मान लो हमारे पास क्या है, आपका एक ए पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, कोई सम पॉइंट है यहां पर जैसे P, इसको वो आपका m रेशो n में डिवाइड करता है। तो मुझे इस P के कोऑर्डिनेट्स बाई सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, m x2 प्लस में n x1 ओवर m+n। यहां पर भी सेम होगा, my2 प्लस ny1 ओवर m+n, वो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, अगर वो एक्सटर्नल होता है तो यहां पर केवल माइनस साइन आ जाता है। तो यहां पर सेम इंटरनल डिवीजन हो रहा है, मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाल लेता हूं, बाई सेक्शन फॉर्मूला। के की मल्टीप्लाई यहां पे, 1 की मल्टीप्लाई यहां पे, 3K माइनस का 6 अपॉन के प्लस 1, एंड यहां पे माइनस का 8K प्लस 10 ओवर के प्लस 1, ये हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मुझे क्वेश्चन में भी दे रखे हैं, वो मुझे दे रखे हैं -4.6। आप बोले सर हम पी के कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाल रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इन्हें कंपेयर कर सके। अल्टीमेटली तो मुझे के की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे बताना है रेशो, और के की वैल्यू निकालने के लिए मैं वो इस गिवन पॉइंट का यहां पर यूज कर रहा हूं। तो यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 3K-6 ओवर के प्लस 1 कॉमा -8K+10 ओवर के प्लस 1 इज इक्वल टू में होगा आपका -4.6 के। तो यहां पे हम कह सकते हैं 3K-6 ओवर के प्लस 1 इज इक्वल टू -4, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3K-6 इज इक्वल टू -4K-4। यहां पे ले आओ, 3K+4K इज इक्वल टू 6-4, 7K इज इक्वल टू 2, इसको डिवाइड में ले आओ, K इज इक्वल टू 2/7। तो हमारे पास जो रेशियो है वो आ जाएगा 2/7:1, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2:7। तो हमारे पास जो रेशियो है ना वो यहाँ पे 2:7 आ रहा है। हमने जो सारा काम यहां पर किया है वो इस K की वैल्यू को निकालना था। जैसे ही मुझे K की वैल्यू मिली, मुझे वो रिक्वायर्ड रेशियो यहां पर। अब उस के की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर केवल एक ही कंडीशन हमारे पास थी, वो था इस पी के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया और जो रेशियो है वो यहां पर मिल गया है।